जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी यान पर, आज ये बॉलीवुड भान उसी भगवा का अपमान पे अपमान कर रहे हैं मित्रों। मित्रों अभी हाल ही में ही एक टीवी एक्ट्रेस द्वारा भगवा कलर ऑरेंज कलर की आइसक्रीम खाकर यह साबित किया गया, यह सिद्ध किया गया कि आपके भगवा की हैसियत क्या है उन लोगों की निगाह में। और अभी हाल ही के अंदर ही जल्द ही आप अपने टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि जैसे आने वाली समय में जल्द ही पठान फिल्म ये शाहरुख खान लेकर आ रहा है, उसी पठान के अंदर जिस प्रकार दीपिका पादुकोण अपने अंग का प्रदर्शन करते हुए हमारे भगवा का अपमान पे अपमान कर रही है। मित्रों इस भगवा के लिए तानाजी मालतुरे ने कौंठाना किले पर चढ़ाई कर दी थी, उनके पिता उनके पुत्र रायबा का विवाह भी वे छोड़कर चले गए थे, किस लिए? भगवा के लिए। और तानाजी मालतुरे ने उसी भगवा के लिए उसी किले के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मित्रों इसी भगवा के खातिर मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला करते करते भगत सिंह फांसी के तख्ते पे झूल गए। मित्रों इसी भगवे के लिए चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, राजगुरु समेत कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मित्रों इसी भगवा के लिए शिवाजी महाराज ने अपने प्राणों की, अपने पूरे साम्राज्य की बलि चढ़ा दी। मित्रों इसी भगवा के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई पर स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी। इसी भगवा के लिए पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, रानी पद्मावती पूरे 5000 रानियों के साथ चित्तौड़ में जौर की ज्वाला में अपने अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से नवजात शिशु को अपनी कमर पर, अपनी पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह टूट पड़ी थी अंग्रेजों पर। इसी भगवा के खातिर कई लोगों ने, कई स्वतंत्र सेनानियों ने, कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज ये बॉलीवुड भान हमारे भगवा का अपमान कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए इन स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि एक दिन ये लोग भगवा का अपमान करेंगे और हम आंख मूंद कर बैठे रहेंगे? नहीं, ये पीढ़ी आंख मूंद कर बैठने वाली नहीं है। हम इस बॉलीवुड को बर्बाद कर देंगे, आने वाली पठान फिल्म का बहिष्कार करेंगे, हर बॉलीवुड की फिल्म का बहिष्कार करेंगे, और जो भी सिनेमा थिएटर इस फिल्म को लगाएगा हम उस थिएटर का भी बहिष्कार करेंगे। इसलिए मित्रों जल्द से जल्द अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मित्रों से, अपने परिवारों के अंदर ये बात, ये चर्चा करिए कि भगवा का अपमान नहीं सहा जाएगा। और इस भगवा के खातिर जिस प्रकार हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम सिर्फ इन फिल्मों का बायकॉट करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।